बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफाज बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 37, क्लास 6, मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 9, लीनियर इक्वेशंस। सो डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर लीनियर इक्वेशन क्या है, आए देखते हैं। एन इक्वेशन इन विच देयर इज ओनली वन वेरिएबल विथ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। डियर स्टूडेंट्स, आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर सीख चुके हैं कि वेरिएबल किसे कहते हैं और वेरिएबल का क्या कॉन्सेप्ट है। तो आज हम लीनियर इक्वेशन को सीख रहे हैं। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ वन वेरिएबल यूज़ हो। वेरिएबल क्या है, कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर से हम वेरिएबल को यूज़ कर रहे होते हैं और कॉमनली एक्स वाई जेड को हम जो है यूज़ करते हैं विद डिग्री 1। डिग्री के बारे में भी आपने यकीनन पढ़ लिया है। तो आइए चलें आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। मैं लीनियर इक्वेशन को एक एग्जांपल के ज़रिए शो करता हूँ। 2x प्लस 4, इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स जिनको आपको इल्म होना ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले लिखा है डिफरेंस, तो डिफरेंस मीन हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंस कहते हैं माइनस को। सम यूज़ करते हैं प्लस के लिए, मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई की साइन के लिए, डिवाइडेड यूज़ करेंगे डिवाइड की साइन के लिए, इंक्रीज मीन बढ़ जाना यानी ये भी प्लस की साइन के लिए यूज़ होगा, और डिक्रीज मीन कम हो जाना यानी ये माइनस की साइन के लिए यूज़ होगा। इन टर्म का पता हो जाने के बाद आज की एक्सरसाइज सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, कुछ सेंटेंसेस की सूरत में हमें ये एक्सरसाइज दी है और हमने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं द डिफरेंस। डिफरेंस मैंने कहा था किसके लिए यूज़ करते हैं, माइनस के लिए। ऑफ अ नंबर यानी कोई एक नंबर जो कि हमें मालूम नहीं है, वो अननोन है, तो अननोन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक्स यानी वेरिएबल। एंड 20, और उसमें 20 को प्लस किया या माइनस किया, इसमें माइनस है तो हमने माइनस किया। इस जो है वो इक्वल टू की साइन के लिए यूज़ होगा, तो यहाँ हम इक्वल टू की साइन लगा देंगे। 32, तो हमने 8 32 लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्या किया, इस सेंटेंस को लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करके दिखा दिया। सेकंड है द सम। अब ये सम मैंने कहा था किसके लिए यूज़ करेंगे, प्लस की साइन के लिए। ऑफ अ नंबर, कोई भी एक नंबर जो कि अननोन है हमें मालूम नहीं है, तो उसको हम एक्स के ज़रिए शो करेंगे वेरिएबल के ज़रिए। एंड 8, और उसमें 8 को प्लस कर देंगे। इज जो है किसके लिए यूज़ होता है, इक्वल टू के लिए। 15 को सेम उतार देंगे। तो इस तरीके से ये लीनियर इक्वेशन जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई। थर्ड स्टेटमेंट की जानिब बढ़ते हैं। 5 मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड किसके लिए यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लाई की साइन। 5 को एज इट इज़ उतार देंगे। बाय अ नंबर, वो एक नंबर क्या है, वो अननोन है हमें मालूम नहीं है, तो उसको हम x से शो करेंगे। इज इक्वल टू की साइन के लिए यूज़ हो रहा है। एंड 35 को सेम उतार देना है। तो ये लीनियर इक्वेशन जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई। फोर्थ स्टेटमेंट की जानिब बढ़ते हैं। 16 डिवाइडेड की साइन के लिए डिवाइड की साइन बनाएंगे। 16 को एज इट इज़ उतार देंगे।
बाय फोर यानी फोर से डिवाइड करना इज इक्वल टू की साइन फोर, और फोर हमने लिख दिया। अच्छा ये याद रहे, इसको हम यूं भी कर सकते हैं कि 16 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो पार्ट आपके पास बच गए हैं जी स्टूडेंट्स, अ नंबर, नंबर क्या है, अननोन है, हमें मालूम नहीं है। इंक्रीज्ड, इंक्रीज जो है वो किसके लिए है, प्लस की साइन, बाय टू, टू के साथ इज, इस किसके लिए यूज़ हो रहा है, इक्वल टू की साइन के लिए, और फोर। तो ये स्टेटमेंट जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई लीनियर इक्वेशन में। नेक्स्ट स्टेटमेंट 15 डिक्रीज्ड, डिक्रीज जो है किसके लिए है, माइनस की साइन के लिए, 15 को एज इट इज उतार देंगे। फ्रॉम अ नंबर, 15 जो है वो डिक्रीज हो रहा है, माइनस हो रहा है फ्रॉम अ नंबर। अब वो एक नंबर में से माइनस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि साइन जो है वो पहले आएगी और उस नंबर को हम यहाँ उतार देंगे। 15 डिक्रीज, डिक्रीज मीन वो माइनस हो रहा है फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर में से। फ्रॉम का मतलब क्या हो जाएगा, में से, अ नंबर, एक नंबर में से 15 डिक्रीज जब होगा तो रिजल्ट आएगा इज 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ फ्रॉम नहीं आता तो फिर हम क्या करते, एक्स माइनस एक्स जो है वो बाद में लिख देते। नेक्स्ट स्टेटमेंट ट्वाइस ऑफ अ नंबर, नंबर क्या है हमें मालूम नहीं है तो उसको एक्स के जरिए शो कर दिया। ट्वाइस मीन होता है डबल, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो ट्वाइस ऑफ अ नंबर यानी ये जो वेरिएबल है ये टू टाइम है। इंक्रीज, इंक्रीज के लिए हम कौन सी, प्लस की साइन लिखेंगे, बाय फोर, यहाँ हमने फोर लिख लिया, इज इक्वल टू की साइन, और लास्ट में क्या है 20। इस तरीके से ये इक्वेशन जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई। इस इक्वेशन को दोबारा देख लीजिएगा, ट्वाइस ऑफ अ नंबर, एक नंबर जो है वो ट्वाइस है यानी डबल टाइम है, तो टू टाइम 2x हो गया। इंक्रीज मीन उसको हमने प्लस कर दिया, बाय फोर, फोर के साथ इज 20। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक्सरसाइज 9.1 के 7 पार्ट सीख लिए। अब मैं आपको होमवर्क के तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन देना चाहूँगा, डू एक्सरसाइज 9.1, और सिर्फ इसका लास्ट पार्ट है 8, वो आपको जो है क्या करना है, ख़ुद सॉल्व करना है। यकीनन आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपने उसको क्या करना है, ख़ुद ट्राई करना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आप सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, लेकिन आपने ख़ुद ट्राई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।